बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो जी आज धूप माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी है, बहुत देर के बाद धूप देखने को मिली है जी। तो अम्मा जी के पास चलते हैं, अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं मज़े मज़े के साथ, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अम्मा जी की रेसिपी। जी गाइस, मैं अम्मा जी के पास पहुंच चुका हूं, अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं मज़े मज़े की। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या रेसिपी बना रहे हैं आज आप? आज मैं बोल रहा छोटे गोश्त की कढ़ाई बना रही हूं। वे पहले भी बनाई है, वो और चीज़ है, और चीज़ है। ये कैसे बनती है और इसमें क्या क्या शामिल होता है? बनाना बहुत आसान है। हमने एक किलो छोटा गोश्त ले लिया था, उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और इसमें डलेगा कुकिंग ऑयल, 5 मिनट टमाटर ले लिए हैं, इनको हम वो कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। 3 प्याज ले लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लेंगे। और ये दही है, दही शामिल होगा, सब्ज मिर्चे, ये मैं वो बागन का ये फूल है, ये लौंग है, लौंग, दालचीनी और वो काली मिर्च है, ये वो सूखे धनिया का पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये कश्मीरी मिर्च है, और वो ये हल्दी है, ये लाल मिर्च है, और ये गरम मसाला है, ये नमक है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये सब चीज़ उसमें डलेगी। और मैं आपको हम इसको काट लेते हैं ग्रैंड टमाटर को और प्याज को काट लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा जी ने, ये चेक कर सकते हैं आप, अम्मा जी ने ये टमाटर भी ग्राइंड कर लिए हैं, प्याज भी काट लिए हैं बारीक बारीक, ये देखें। और अब आपको बताते हैं जी, अब हम चूल्हा जला लेंगे कढ़ाई के नीचे। इसके अंदर हम डालेंगे ये मटर। देखिए हमने इसके छोटे छोटे पीस किए हैं, मटर छोटे छोटे पीस किए हैं हमने। ये बोनलेस गोश्त हमने लिया था छोटा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा जी ने मटन डाल दिया, छोटी छोटी बोटियां कर ली थी मटन की, और कढ़ाई के अंदर डाल दिया। अब इसके ज़रा पानी जो है इसके अंदर ज़रा कुछ चको ले, पानी भी चको ले इसके ज़रा, जो ये गोश्त का पानी होता है ना उसको थोड़ा सा कुछ चका दें। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब आप इसके अंदर डालेंगे साबुत गरम मसाला। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा जी ने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फिर गरम मसाला साबुत डाल दिया इसके अंदर, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। देखिए अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक मैंने 1.5 चम्मच लिया है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे, थोड़ा इसके मसाले में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही, ज़्यादा इतना नहीं डालना, इसको थोड़ा सा ला लेंगे क्योंकि इसके अंदर देगी गुठलियाँ ना बन जाए। अम्मा जी कितना टाइम लगता है ये बनने में, गोश्त की मटन की कढ़ाई जो है? एक आधा घंटा लग जाता है। आधे घंटे में बिल्कुल तैयार हो जाती है। देखिए आप देखिए कितना टाइम लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे,
ये देखें, और इसको पकने के लिए रख देंगे। जब ये गोश्त गल जाए इसको अब हमने पकने के लिए रख देना है। स्लो आंच रखनी है, जिसकी आँच है उसको स्लो रखनी है। अब इसको पकने देना है। इसके ऊपर इसको हम ऊपर से ढाँप देंगे और अब हम इसको पकने देंगे। इसे गलने तक अब हम इसको पकाएंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए गोश्त के, आप गोश्त को चेक करें, देखिए इसका पानी पर थोड़ा सा रह गया, खुशक होने लगे। आप गोश्त भी गल गया, अब हम इसको दूसरे चूल्हे पर रख लेंगे। इस तरह हमने दूसरी कढ़ाई रख ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, हमारे अब डालने लगे हैं जी कुकिंग ऑयल, कढ़ाई का मसाला तैयार करने लगे हैं। अब अम्मा जी सबसे पहले अम्मा जी डाल, हमने तीन प्याज ले लिए थे, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया। अब इसके अंदर जाएंगे ये प्याज। माशाल्लाह जी, अम्मा जी ने प्याज डाल दिए कुकिंग ऑयल के अंदर। अब हम इनको लाइट ब्राउन करेंगे। डाल लेना आराम से वाओ, लेकिन आ रही है मेरे पास बहुत जल्दी हॉट से हॉट। पक गई अंडिया आपकी? अंडिया पा ली। चलो अंडिया पकाओ। अंडिया आप कहाँ जा रहे हो? किना कहाँ जा रही है? किना बोलो कहाँ जा रही? नदी पे। नदी पे है? आप कहाँ जा रहे? आप क्या कह रहे हो दादाजान? ये हल्दी है, ये रेड चिली है, ये जीरा है, ये सॉल्ट है, और ये गरम मसाला है, ये सारे मसाले हैं। हाँ जी, हमें डालने के लिए सारे मसाले हैं। ये डालने डालने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारा ये प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त। गोश्त के अंदर जो थोड़ा सा पानी है इसके साथ हो जाएगा, उससे हो जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा नमक, ये सूखा धनिया, सूखा धनिया। अब जाएगी इसमें लाल मिर्च, अब जाएगी कश्मीरी मिर्च, अब जाएगी इसमें हल्दी। हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा जी ने सारा मसाला डाल दिया इसके अंदर, नमक मिर्च हल्दी सब कुछ। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, अगर आप कम ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। आप जैसे घी में बना सकते हैं, जिसमें चाहे आप बना सकते हैं। अब देखिए हम गोश्त अच्छी तरह भून गए। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर का पेस्ट। ये हमने 5 टमाटर लिए थे, उनको हमने ग्राइंड कर लिया था। साथ इसके अंदर जाएंगे सब्ज मिर्ची। जो मैंने पहले कढ़ाई बनाई थी वो बोनलेस नहीं थी, ये और तरह की आई है, जिसमें और मसाले डलते हैं उसमें, तो बहुत बिल्कुल सिंपल थी। अब हम इसके ऊपर से ज़रा ढापेंगे।
अब हम इसको ऊपर से डाल देंगे एक मिनट के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब देखें टमाटर का पानी कुछ होने लगा, बस थोड़ा सा रह गया है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना प्यारा कलर है इसका। लहसुन अदरक मैंने गोश्त में इसलिए डाल लिया था वो गोश्त की थोड़ी स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए, और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक गोश्त जब मैंने गोश्त ऊपर रखा गलने के लिए रखा था ना तो मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक डाल लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हमारे मोहल्ला से गोश्त की अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप हमारे मोहल्ला से गोश्त की कढ़ाई तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। मुझे सब्ज़ धनिया बहुत पसंद है, मैं सब्ज़ धनिया बहुत इस्तेमाल करती हूँ। अब हम चूल्हा करेंगे बंद, अब हम आपको दिखाते हैं निचोड़ करके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे छोटे गोश्त की मोहला छोटे गोश्त की कढ़ाई कितनी प्यारी तैयार हुई, कितनी अच्छी है, कितना प्यारा कलर है, देखिए कितनी प्यारी तैयार हुई है। आपको अपने घर में तैयार करें और मुझे बताएगा कि आपको कैसी लगी, और अपनी दुआ में इजाज़त रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।